के नाम से विख्यात है। ये 11वीं सदी का इसका निर्माण है लगभग, और ऐसा बताया गया है कि राजा सोनपाल ने ककनावती रानी के यादगार में इसे बनवाया था। ये मोरना से करीबन 22-23 किलोमीटर दूर पर है, पूर्व की ओर, और तीन गांव सोनिया, खड़ियाहार, लल्लू बसई के मेड़े पर बसा हुआ उस स्थान पर है। ये किंवदंतियाँ हैं कि इसको रात ही रात में इसको बनाया गया था, लेकिन ऐसा लगता नहीं। हिंदुस्तान की बहुत बड़ी एक शिल्प कला, ऐसे महान कलाकार जिन्होंने इसको निर्माण किया है, आज वो कई जगह से छत भी हो गया है, लेकिन उसको दुरुस्त करने में अभी ऐसे सक्षम शिल्पी नहीं है कि उसको सही तरीके से सटीक बना सकें, लेकिन फिर भी वो अपने में अस्तित्व लिए खड़ा हुआ है। भैया जी, आपने किस रानी के बारे में कहा था ना जी, कौन से राजा की रानी थी वो जिनके लिए बनाई थी? सोनपाल राजा ने, सोनपाल राजा रानी ककनावती के स्मरण में। अच्छा, यादगार। और कोई मंदिर वगैरह भी है इसमें? कुछ है? ये मंदिर शिव जी का मंदिर है, अंदर ये खुद ही मंदिर है, ये खुद ही मंदिर है ये। अच्छा अच्छा, ये खुद ही मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, अंदर शिव जी का मंदिर है। अच्छा अच्छा, और ऐसा है इसमें बरसात का पहला पानी पड़ता है तो बूंद टपकती है इसमें, वहाँ शिव जी के ऊपर, शिव जी के ऊपर, पिंडी के ऊपर। अच्छा, ये पत्थर कैसे जोड़े गए हैं? ये पत्थर, इसमें किसी प्रकार का गारा, चूना या सीमेंट नहीं, ये कलात्मक बैलेंस बनाते हुए, संतुलन बनाते हुए इस प्रकार से फिट किए गए हैं कि गिर भी नहीं सकते और एक दूसरे को वो पकड़े हुए भी हैं। ये करीब 11वीं शताब्दी का निर्माण, आज भी वस्तु तो वैसा ही है, आज के शिल्पियों में इतनी कला नहीं है कि इसको जहाँ पर छत हुआ है उसे सुधार भी सकें। ऊपर पार्लियामेंट है, ऊपर पार्लियामेंट जैसी वो है। हाँ, इसकी ये बल्याकार बहुत से छतरे छतो हो गए, गिर गए हैं, इकट्ठे पड़े हुए हैं, वो छतग्रस्त हुआ है इस साइड से। हाँ, ऊपर से गिर गया ना, पहले जैसे घोड़ा का मुंह होता है ना, इस तरह का था ऊपर। चलें देखिए और आगे आ जाओ भी सर, सही